इंसान का सबसे पहला आहार दूध ही होता है और भारतीयों को दूध और दूध से बनी चीजें हमेशा ही प्यारी होती है। लेकिन दूध सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि सौंदर्य के लिए भी बेहद अच्छा होता है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं दूध से सौंदर्य को निखारने के कुछ कमाल के टिप्स। जिस प्रकार दूध एक आदमी को बड़ा होने में मदद करता है, उसी प्रकार से उसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। दूध का प्रयोग करके चेहरे को निखारा जा सकता है और कई सारी त्वचा समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए जाने दूध के प्रयोग से चेहरे की सुंदरता में कैसे चार चांद लगाए जा सकते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्प्स इन मेकिंग स्किन सॉफ्ट। गुलाब की पंखुड़ियों को पीस कर आधा ग्लास कच्चे दूध में 30 मिनट तक भिगोए। फिर इस पेस्ट को धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाए। थोड़ी देर बाद इसे हल्के हाथ से मले। सूखने पर ठंडे पानी से धो दे। त्वचा गुलाबी और नरम हो जाएगी। फॉर इम्प्रूविंग ड्राई स्किन। अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो हर रोज 2 चम्मच दूध की मलाई में 1 चम्मच शहद मिलाकर आपकी त्वचा पर लगाएं। इससे त्वचा की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और आपकी त्वचा ग्लो करने लगेगी। ब्रिंगिंग ब्राइटनेस इन द स्किन। एक केले को कच्चे दूध में डाल के पेस्ट बना ले। फिर इसे त्वचा पर लगाए और 15 मिनट के लिए छोड़ दे। इसके बाद इसे नॉर्मल पानी से धो दे। दूध और केला त्वचा को बारीक लाइनों से छुटकारा दिलाकर स्मूथ बना देगा। इस प्रोसेस को नियमित प्रयोग से त्वचा में ग्लो आ सकता है। फेस पैक ऑफ कर्ड एंड मिल्क। हफ्ते में कम से कम 3 बार बेसन और दही को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल चेहरे पर निखार लाने के साथ साथ रंगत बढ़ाने में भी काम करता है और सारी गंदगी को भी नष्ट करता है। मिल्क फॉर हैंड्स फेस एंड नेल्स। नाखून को सुंदर बनाने के लिए कुछ देर तक दूध में भिगो कर रखें। बर्तन साफ करने से हाथ खुरदुरा हो जाता है। इन पर दूध में लेमन का रस मिलाकर लगाने से हाथ की त्वचा मुलायम हो जाती है। दूध में मलाई और हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर मले। 2 हफ्ते बाद चेहरे पर निखार आ जाएगी। मिल्क कैन बी यूज्ड फॉर लिप्स। होंठ अगर काले हो गए हो तो दूध को होठों पर लगाने से कालेपन दूर हो जाता है। अगर आपके होंठ फट गए हैं तो रात को सोने से पहले 1 बूंद गुलाब जल और 1 बूंद नींबू का रस दूध की मलाई में मिलाकर लगा ले। इससे राहत मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने त्वचा में निखार लाना चाहते हैं तो ये टिप जरूर फॉलो करें। तो अगर इससे जुड़े आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।